गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टुडेज अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन इंटरनेट, टॉपिक नेम सेडवल वेबसाइट टू ओपन एट सर्टेन टाइम, यानी निश्चित तारीख और समय पे वेबसाइट को ऑटोमेटिकली ओपन होने के लिए सेडवल करें। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स है कि वो कुछ काम करते रहते हैं और कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है, कोई रिजल्ट देखना होता है या कोई शॉपिंग साइट से कोई सेल चल रही होती है वो देखनी होती है, तो वो काम करते करते उसको भूल जाते हैं और उनका वो काम नहीं हो पाता। ठीक है, जब भी आप काम पर कड़ी मेहनत करते हैं तो जिन वेबसाइट को आप बाद में देखने के लिए सेव करते हो उन्हें आप आसानी से भूल जाते हो। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हो, रिमाइंडर सेट करते हो, लेकिन रिमाइंडर सेट करते वक्त भी आप कुछ चीज़ भूल जाते हो। ठीक है, किसी काम में लग गए तो आप उसे भूल जाओगे। ठीक है, यदि इसी तरह होता रहे तो आपका कभी कोई काम पूरा ही नहीं होगा, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी उम्मीद करने के लिए कुछ है। कुछ परिस्थितियों में जब आपको किसी निश्चित समय पर कुछ स्पेशल साइट ओपन करनी होती है, जैसे मान लो कि मुझे रेडमी 5A का मोबाइल बुक करना है, तो उसकी जो सेल आती है वो थर्सडे को 12 बजे फिक्स आती है। अब मैं 12 बजे किसी काम में बिजी था और मैं भूल गया साइट को ओपन करना, तो मेरे हाथ से तो सेल में जो मोबाइल परचेज करना चाहता था वो निकल गया। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होता है, गूगल क्रोम ओपन करिए, इसमें एक एक्सटेंशन होता है ओपन मी लेटर, सबसे पहले हम उसको डाउनलोड करेंगे। गूगल ओपन करते हैं हम और एक्सटेंशन जो अभी मैंने बताया, सबसे पहले आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ओपन मी लेटर एक्सटेंशन, ऊपर ऊपर टॉप पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्रोम, इस पर क्लिक कीजिए और ऐड एक्सटेंशन, आपका डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। अब इसके बाद में वेबसाइट को शेड्यूल कैसे करेंगे डेट एंड टाइम में, इसे जानने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि देखो इसके लिए आपका पहली बात तो जो भी डेट आप शेड्यूल कर रहे हो या टाइम शेड्यूल कर रहे हो उस टाइम में आपका कंप्यूटर ऑन होना चाहिए और आपका ब्राउजर भी ओपन होना चाहिए, तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे मान लो कि मैं फ्लिपकार्ट पे सेल है 12 बजे, मैं भूल जाता हूँ बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो साइट जो भी आप ओपन करना चाहते हैं आपकी साइट एंटर करके ओपन करें, एक बार उसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आप ओपन मी लेटर एक्सटेंशन पे क्लिक करें, यहाँ से इसको शेड्यूल करें, जैसे किस डेट में, जैसे आज के हम देखना चाहते हैं आज ही की डेट में, आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप आगे की भी डेट रख सकते हो, जैसे मई चल रहा है नेक्स्ट और जून, जिसमें भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, उसके लिए डेट कोई भी आगे पीछे की कर सकते हो एडजस्ट, यहाँ से एडजस्ट करेंगे आप, लेकिन आज की डेट में ओपन करते हैं। अब सेकंड सेलेक्ट योर ऑप्शन, एक तो न्यू टैब, यानी जैसे ये टैब है हाथों हाथ यहीं पे ओपन हो जाए वो वेबसाइट, एक न्यू विंडो, एक विंडो सेम ऐसी कैसी दूसरी विंडो ओपन करे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं न्यू विंडो। ओके, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद में दो ऑप्शन आते हैं आपको, डेली ओपन होनी चाहिए उसी टाइम और डेट पे, या फिर एवरी वीक ऑन दिस डेज। ठीक है, तो हम डेली पे अभी क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नीचे, देखिए टाइम 3:39 हो रखा है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसे ओपन कर लेते हैं, 39 है। ओके, वापस इसे ओपन कीजिएगा। 7 डेट सेलेक्ट कर दी, न्यू ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया अपन ने, डेली यूज कर लिया, 39 हो रखा है, 39 को अपन 40 कर देते हैं, सॉरी 40। ठीक है, इसके बाद हम ओपन मी लेटर पे क्लिक कर देते हैं और देखिए सक्सेसफुल हो गया, आप ओके कर दीजिएगा, जैसे आपकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह आप बहुत सारे और भी ऐड करना चाहें तो प्लस से ऐड कर सकते हैं, आप इसे सेव कर दीजिए और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका काम, यहाँ से आप इसे हटा दीजिएगा, इसको क्लोज कर दीजिए साइट को। ठीक है, अब आप क्रोम ओपन रखिए, कुछ टाइम में देखिए आपको पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे 40 होगा, मैंने 40 के सेट किया तो 40 होते देखिए
40 होते ही अपने आप ही आपका ओपन हो गया। जो वेबसाइट अपन ने सेटअप किया था, देखिए एक नई टैब न्यू विंडो में ओपन हुआ है, ठीक है। पहले वाली विंडो आपकी ये थी, अब देखिए इसके ऊपर आपकी एक नई विंडो और आ गई, न्यू विंडो में ओपन हो गया। फिक्स 40 होते ही आपका ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए ध्यान में रखने वाली बातें मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपका क्रोम ओपन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आपका कंप्यूटर ऑन होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है, तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। आगे अगर कुछ और जानना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। इसी तरह मैं बेहतरीन जानकारी आपको देते रहूँगा।